हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। तो अभी हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाना सीखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, 3 सेमी सर्किल्स ईच ऑफ डायमीटर आर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 सेमी सर्किल्स है जिसका डायमीटर तीनों का 3 सेंटीमीटर करके दिया गया है। ए सर्किल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक सर्किल भी दिया गया है जिसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। एंड ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक सेमी सर्किल भी है जिसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। आर ड्रॉन इन द गिवन फिगर, जैसा कि आपने इस फिगर में देखा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसको बनाने का पहले हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। पहले हम लोग इस बड़ा वाला जो सेमी सर्किल है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये शेडेड रीजन है। जो भी शेडेड रीजन है उनको पहले हम प्लस कर लेंगे, और जो अनशेडेड रीजन है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये एक शेडेड रीजन है, इसको हम लोग प्लस करेंगे। इसके बाद ये जो शेडेड रीजन है इसको प्लस करेंगे, यानी ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, और इन तीनों का एरिया को निकाल के हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन किया हुआ है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम लोग को निकालना था, जो कि अब हम लोग को जो प्लस करना था, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, एक बड़ा वाला सेमी सर्किल का एरिया, और इसका रेडियस दिया गया था 4.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है इसका हम लोग को एरिया लिख लिए, और इसमें जो है डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया गया था, तो हम यहाँ पे जो था ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिए। एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया को हम लोग घटाएंगे, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन दिए हैं। अब यहाँ पे 2 सेमी सर्किल है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लिए 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद इस वाले सर्किल का भी एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये भी अनशेडेड रीजन है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन दिए। एरिया ऑफ सर्किल विथ इसका डायमीटर दिया था 4.5 सेंटीमीटर, तो डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर लिख लिए। अब हमें सभी का फॉर्मूला पुट करते जाना है। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ सेमी सर्किल का हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हाफ लगा दिए, क्योंकि सभी में जो था वो सेमी सर्किल था एक्सेप्ट इसको छोड़ के। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्किल दिया गया था जिसका रेडियस जो था 4.5 सेंटीमीटर था, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला 1/2 पाई, आर का वैल्यू 4.5 था, तो यहाँ पे 4.5 का स्क्वायर कर लिए। फिर प्लस का साइन दिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्लस का साइन है। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो फिर से एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 1/2 पाई, जब हम रेडियस निकालते हैं तो डिवाइड 2 करते हैं, तो डायमीटर 3 था और नीचे 2 हो गया, तो ये रेडियस हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्किल है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला फिर से 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर नहीं है, तो पहले हम लोग आर का वैल्यू फाइंड कर लिए, आर इज इक्वल टू D/2 होगा, D 3 था और नीचे 2 लिख लिए। इसके बाद माइनस है, माइनस का साइन दिए। फिर से एरिया ऑफ सर्किल है जिसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हाफ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा सर्किल है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पाई हो गया, और आर का वैल्यू यहाँ पे 4.5/2 कर लिए, क्योंकि ये डायमीटर है, और डायमीटर का जब वैल्यू दिया रहेगा तो रेडियस बराबर R/2 होगा, तो नीचे 2 लिख लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आगे क्या किए, 1/2 है, रहने दिए, पाई रहने दिए, इसको भी रहने दिए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बस इसका स्क्वायर कर लिए, 3 3 9, 2 2 4, और इसको भी जैसा था वैसे उतार लिए, ये 2 2 कैंसिल हो गया, पाई यहाँ पे लिख लिए, 3 3 9, 2 2 4, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लिए, और इसको जैसे था वैसे यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए इन सब का, इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 है, 2 4 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, सबसे बड़ा डिजिट जो था वो 8 आ रहा था, 2 का टेबल में भी 8 आता है, 4 का टेबल में भी 8 आता है, तो इस तरह से हम लोग का जो एलसीएम आएगा वो 8 आएगा। अब 2 का टेबल में 8 4 बार में आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख लिए, और यहाँ पाई 4.5 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद यहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे जो 9 पाई है जैसे का वैसे उतर जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लिए, 4 2 8, तो 2 9 18 हो गया, माइनस 4 2 8, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। अब यहाँ पे पाई 4.5 का स्क्वायर।
अब इसके बाद आगे क्या करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे क्योंकि ये 4.5 मिल गया, तो 4 पाई में 2 पाई हम लोग घटा लेंगे, तो 2 पाई और 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 2 पाई और 4.5 का स्क्वायर। और उसी तरह से हम लोग जब हम यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 में 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 9 पाई लिख लिए और नीचे 8 था, 8 जो है हम लोग रहने दिए। इसके बाद दोनों में पाई है तो हम पाई कॉमन निकाल लिए, 2 यहाँ पे रहने दिए। 4.5 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो हम लोग का 20.25 आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लिए, फिर माइनस का साइन है, 9 लिख लिए क्योंकि पाई जो था दोनों से बाहर निकल चुका है, नीचे 8 है रहने दिए। अब पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 यहाँ पे पुट कर लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो 40.50 आया, माइनस 9 हो गया, नीचे 8 है इसको हम लोग रहने दिए। इसके बाद 22/7 इसको यहाँ पे उतार लिए हैं। अब हम इन दोनों को घटाएंगे तो 31.50 आएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। इन दोनों को कैंसिल किए तो 4.50 आ गया, 7 का टेबल में ये इतने बार में आ जाएगा, तो इतना बच गया। अब यहाँ पे जो बच गया इसको हम यहाँ पे फिर से उतार दिए हैं, 22, 4.50 और 8। अब यहाँ पे पॉइंट को हटा दिए तो पॉइंट के जगह पे 1 दो नंबर था, तो 20 100 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल में काटे 5 बार में 10 आया तो, और यहाँ पे 11 हो गया। फिर इसको 5 से काटे तो 5 9 जा 45, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिए, 11 9 जा 99, नीचे 8 बच गया, 8 लिख लिए। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप लोग का इतना आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे और समझेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।